और उसके बाद होने वाली बात भी बता दी। तो ये सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन पापा ने बता दी। दीदी ने कहा बुली के लिए हाँ? कि मेरे पास दे दे। लोगों को काली चीज कहाँ आती है पसंद? हाँ, तो है ना, तो यहाँ पे उसकी मुंडली शायद। तो ये रही इतनी बढ़िया, जब मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मैं घास काट रही थी वैसे देखा तो वैसे डर लग गया था। मैं बता देती हूँ, अपने कपड़े ले जाना, हमारे खेत में मत छोड़ना, भटभुकाओ और रात भर तब गला उन जाओ। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। तो आगे से माँ जा रही है और पीछे से मैं जा रही हूँ, बाकी हम घास के लिए जा रही है तलिया साइड। तो अब चलते हैं। तो यहाँ पे ताई जी की टोकरी भी जाने लग गई खेत में। ताई जी किस चीज की सब्जी बनाई आपने? अरे ये तो हमारी है। तुम्हारी डलनी है? आज दीदी ने कहा बुली के लिए कि मेरे पास दे दे। बुली में घर रो रहा है? बुली में घर। किस चीज की सब्जी बनाई आपने? सब्जी बनाई है आज छोले भटूरे बना रखे। तुमने नहीं बनाई, मतलब तुम भूल गए। छोले भटूरे बना रखे है। अच्छा, सब्जी लौकी की है। तो कहाँ पे जा रही है? सब गई मच्छली में और सियारी में है बवाई बुटाई। अच्छा, घट्टू में? घट्टू में। ठीक है फिर जाओ जाओ, दरुणी को अच्छे से पहुँचा। दीदी ने कहा भूली के लिए कि तू डंडी दे के आ रही है। हाँ तो मैं ले जाती हूँ, तो अच्छी दीदी मिली है। तो यहाँ पे मैं घास काट रही थी और तब तक मुझे सांप की केचली दिख गई। तो केचली इतनी बड़ी है, यहाँ से लेके पूरा इधर भी घास के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ गई है। तो इधर पता नहीं आगे आगे। तो ये देखो कैसे सांप की केचली है। तो केचली यहाँ से घूम के और पूरा इधर तक, यहाँ पे उसकी मुंडली शायद। तो ये रही, वो पूरा इधर से घूम के गई है, और केचली की वजह से इतना घास भी छोड़ना पड़ा, बाकी आसपास का घास तो काट लिया। देख तो जहाँ पे ये सांप की केचली रहती है तो वहाँ से घास इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि बल इसका भी जहर लगता है जो केचली है, तो इसका जहर घास पे लगेगा तो फिर गाय भैंसों पे लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे घास छोड़ना पड़ा। बाकी केचली इतनी बढ़िया, जब मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मैं घास काट रही थी वैसे देखा तो वैसे डर लग गया था, लेकिन तब देखा तो केचली है। तो पता नहीं सांप तो कहाँ है, लेकिन अपने कपड़े यहीं पे छोड़ गए। तो सांप को मैं बता देती हूँ, अपने कपड़े ले जाना, हमारे खेत में मत छोड़ना अपने कपड़े। सांप महाराज आपके कपड़े छूट रखे हमारे खेत में। बाकी केचली को छोड़ते हैं यहाँ पे, और केचली देखो कितनी बड़ी है, देखो बाप रे। कैमरे में तो अच्छे से नहीं दिख रही, कैमरे में तो ऐसे लग रहा है जैसा धागा होगा, लेकिन है बड़ी खतरनाक, दिखने में इतनी डेंजर लग रही है केचली, तो पता नहीं सांप तो कितना बड़ा खतरनाक होगा। तो ये केचली को छोड़ते और धूप ज़्यादा हो गई तो अब माँ के सामने चलते हैं। तो अभी टाइम 12:30 हो रहा है और अभी हमने घास काट लिया है जितना काटना था आज, और बाकी अब खा रहे हम ककड़ी। तो आप लोग बोलोगे परसों ही तो इसने बोला था कि लास्ट ककड़ी और फिर आज ककड़ी, तो जो परसों खाई थी उसी का हिस्सा रह गया था, तो उसे आज फाइनल करेंगे। बाकी माता श्री लाई है खेत में ककड़ी, तो माता श्री नमक लगा के दो जल्दी। तो अपने आप खाने लग गई नमक लगा के, और मुझे कौन देगा, जल्दी लोग देखो ऐसे माता श्री किसको मिलेगी नमक लगा के दे रही है मुझे, है ना? लाल लाल ककड़ी, हरा हरा लून है, मर्च भी लेगी वो आदत में। तो ये रहा देखो, तो ये रही हरी ककड़ी और हरा नमक, नहीं लाल ककड़ी और हरा नमक, और बाकी घास काटने आ रखे हम तलिया साइड। तो वो रहा तलिया मार्केट, तो तलिया वालों आ जाओ ककड़ी खाने के लिए। तो अब फटाफट से ककड़ी खाते हैं, और भूख भी लगी जा रही है, पता नहीं कैसे लग रही है, दिन छोटे होते जा रहे और भूख ज़्यादा होती जा रही है, तो काम शायद ज़्यादा हो रहा है इस कारण भूख जल्दी लग रही है। तो ककड़ी खाते हैं, तुम लोग भी आओ, हेलो ककड़ी खा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़। तो अभी शाम के 3 बज रहे और मुझे और पापा को मिली है भट कूटने की ड्यूटी। भट बोले तो सोयाबीन, तो एक काले वाले सोयाबीन कूटने,
पापा माँ तो बोलिए बस सोयाबीन मत दिखा बल वीडियो है तो ये दिखे ना तुझे काला भट्ट दियो सोयाबीन नहीं बोलने हिंदी में तो सोयाबीन नहीं बोलन दालन काला भट्ट बोलने तो मेरे से मिस्टेक हो गई तो इनको बल काले भट्ट बोलते बाकी इनको कूटना हमें और ये रहे हमारे काले काले भट्ट और पापा जी तो हो गए कूटने को शुरू तो माता श्री बना रही है चाय और मुझे और पापा को कूटनी है भट्ट तो फटाफट से इनको कूटते इन भट्ट की चटनी बनाते हैं तो मैंने इनको भट्ट बोला था सोयाबीन बोला था और माँ बोली है बल इनको सोयाबीन नहीं बोलते है ना तो क्या बोलते इनको काव भट्ट तो सफेद भट्ट क्यों नहीं है हमारे सुंगरू न खा ले सुहा खा ले सारे तो एक भी पेड़ नहीं है तो यही है काले तो इनको नहीं खाता सुअर क्यों अपा उसको काली चीज पसंद नहीं है क्या वो खुद काला रहता है ना हाँ। तो जब तक सुअर नहीं खाएगा तब तक इसकी खेती करेंगे तो इसको क्यों नहीं बोते लोग मुझे क्या पता यार है दादी हाँ। काले भट्ट क्यों नहीं बोते लोग हम नहीं खाते हैं क्यों क्यों बोते हैं अच्छा तो सफेद वाले ज्यादा अच्छे होते हैं हाँ, वो होते नहीं होते ही नहीं, नहीं। तो इन काले वालों में स्वाद नहीं रहता क्यों नहीं रहता ताकतवर तो यही है हैं और स्वाद यही है लोगों को काली चीज कहाँ आती है पसंद हाँ, तो है ना तो पागल छी ना वो तभी तो हम तो सफेद नहीं होना चाहिए आप हाँ अब काले ही भट्ट होना चाहिए ना तो इन काला भट्ट का हम क्या करेंगे क्यों गाय भैंस है हमारा हाँ उनको देंगे सबसे ज्यादा भेड़ों के लिए है ना हाँ भेड़ों के लिए बैल के लिए भैंस के लिए सब के लिए चलता है ये और इंसानों के लिए इंसानों के लिए रोटी में चटनी पीसो इसका मैदा बनाओ वो सवाल आता है उसमें और दवाई के काम भी तो आता है हाँ दवाई के काम गायों के लिए आता है ना हाँ जानवरों के लिए इंसानों के लिए नहीं आता नहीं क्या बोल रहे पिताश्री जब बर्फ पड़ी रहती है ना तब ये इंसानों के लिए ज्यादा काम आता है तब भट्ट पूजे जाते हैं और बिस्तर के अंदर बैठ के बर्फ का मजा लो पुकाते रहो भट्ट और फिर रात को लैट्रिन की लाइन में लगे रहो ऐसा होता है तो इनसे पेट खराब जल्दी हो जाता है जल्दी बहुत जल्दी लूज मोशन बहुत जल्दी दिन में भट्ट पुकाओ और रात भर तब गला उन जाओ ऐसा रहता है अब गला नहीं जाते पहले जाते थे गला हाँ तो अब लेटरिन जाएंगे पर मजा तो आता है बर्फ में जब भुने हुए इतने चबाने में बहुत मजा आता है अच्छा विटामिन भी होती है इसमें आ? लेकिन ज्यादा खाने से ठंडा होता है अच्छा कम कम खाना चाहिए गरम गरम और फिर इसकी चटनी बनती है बहुत स्वादिष्ट हाँ भट्ट की चटनी चटकुनी चटकुनी भी बनती है चटकुनी भी बनती है वो भी बहुत अच्छी दाल बनती है तो हो जाएंगे ना इस साल हमारे लिए हाँ बहुत है इतना तो तो इनका यूज हम गाय भैंसों के लिए भी करेंगे पींडे के काम भी आते हैं और बाकी भेड़ों को तो देते ही हम भट और हम भी खाएंगे है ना और तब पापा बता रहे हैं कि लैटरिन में जाएंगे रात भर पड़े रहे पापा ने भट के साथ उसकी बारी बारी लगे रही कमी भी बता दी बारी कभी मेरी बारी कभी तेरी मम्मी की बारी कभी पापा की बारी रात भर बारी लगी लाइन लगा लेंगे है ना हाँ भट मतलब हिसाब से खाने तो पापा ने भट्ट की दाल के साथ उसके अच्छे यूज भी बताए और उसके बाद होने वाली बात भी बता दी तो ये सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताई होगी लेकिन पापा ने बता दी कि पहले बल भट्ट खाओ और फिर बाद में लैटरिन में जाओ तो इनसे पेट खराब जल्दी हो जाता है अगर ज्यादा खाएंगे तो और बाकी सर्दियों में तो बहुत काम आते हैं तो भूज के रख देते और फिर जेब भर देते हैं और गाय के साथ जाओ कहीं भी जाओ भट्ट खाते जाओ तो अब लोग मूंगफली खा रहे नहीं भट्ट खाने वाले तो भट्ट भी खाते हैं अब बल मूंगफली और चने खा रहे हैं लेकिन भट खाने वाले भट भी खाएंगे मजेदार के गंजूर पका घर में घू और सपरा सपार और अब गंजूर ना मजूर अब दादी चौमिन समोसा है अब तो एक से एक चीज आ गए तो भट की चटनी भी बन गई है चटनी को थोड़ी देर सूखने देते और धूप तो है नहीं ऐसे ही सुखा रहे तब तक हम चाय और नमकीन का आनंद लेते
तो आज का ज्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है, छोटा सा ही व्लॉग है। तो मैंने तो नहीं सोचा था आज व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बन ही गया थोड़ा बहुत छोटा सा। बाकी आप लोग बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।